आदमी जो तुम्हें गाली दे रहा है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हो सकता है तुम्हें समझ ना पा रहा हूं। कृष्ण को समझने के लिए बहुत शांत दिमाग चाहिए। वो गोपियां कहती है उनसे कि इतना सा मक्खन देंगे, नाच के दिखाओ, नाचते। किसी से सहारा लो, उसे कंधे पे मत बैठो। गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा? उनके अपने फॉलोअर ने। वो पठान आदमी समझ ही नहीं पाया। हर आदमी जो तुम्हें गाली दे रहा है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हो सकता है तुम्हें समझ ना पा रहा हो। भाई गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा? उनके अपने फॉलोअर ने। औरंगजेब से जिंदगी भर लड़ाई चलती रही, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू मीट औरंगजेब। वो पठान आदमी समझ ही नहीं पाया। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ फोर ऑफ योर सन्स, यू आर गोइंग टू मीट हिम, यू आर गोइंग टू गिव एडवाइस टू हिम, बिकॉज गोविंद सिंह अंडरस्टूड हेट द ईविल नॉट द ईविल डोअर। बुराई से नफरत करो, बुरे इंसान से मत करो। वो समझ नहीं पा रहा है, अनकॉन्शियस है। तुमको कोई एक गाली दे तुम भड़क जाओगे। कृष्ण 100 गाली सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, गिन भी रहे हैं, 71 72 73 74। 90 में शिशुपाल से कह भी रहे कि 90 हो गई भाई। रिमाइंड भी करा रहे हैं कि 90 हो गई, 90 का मार्क दे चुके हो, अब रहन दो। सुन ही नहीं रहा। कृष्ण को समझने के लिए बहुत शांत दिमाग चाहिए। वो गोपियां कहती हैं उनसे कि इतना सा मक्खन देंगे, नाच के दिखाओ, नाचते। द पर्सन हु टेक्स अप द माउंटेन ऑन हिज फिंगर, उसको गोपियां, ये गांव की औरतें नचाती हैं। शेष, गणेश, महेश, दिनेश, ये तीनों आकर अंतर महिमा गावे। शेष, महेश, दिनेश, गणेश, ये सारे आकर महिमा गावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस आदमी को ये अहीर की लड़कियां कहती इतना मक्खन देंगे, नाच के दिखाओ। द फाइनल वॉर, द फर्स्ट इंसिडेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। वेरी यूनिक मूवमेंट ऑफ गांधी, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या सोच रही होगी गांधी के पास? होती है वो, दिमाग के पास तो कुछ है नहीं, मन के पास तो कुछ है नहीं। मन तुम्हें इस दुनिया में आईएएस बना देगा, एमपी बना देगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बना देगा, कैपिटलिस्ट बना देगा, पर उसका कोई यूज नहीं है। माइंड हैज लिमिटेशंस। विद द हेल्प ऑफ माइंड यू कैन अचीव समथिंग, बट दोज अचीवमेंट्स आर यूजलेस बिकॉज फाइनली एवरीवन हैज टू डाई। अब बिंबिसार आजाद शत्रु को हम ही लोग पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री का आदमी, पर बुद्ध को, महावीर, दादू, कबीर, रैदास। मेडिटेशन आई सेड इज अ टफ पाथ ना, सो व्हेन आई स्टार्टेड मूविंग ऑन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, बट आई हैव वन फेथ इन माय माइंड बिकॉज ऑफ हिस्ट्री कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन। अदरवाइज lines of people enjoying ecstasy, a different perspective of life. भरोसा था मुझे कि कुछ तो होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं पर कुछ तो होता है। बिकॉज इन मेडिटेशन सेकेंड पाथ इज वेरी चैलेंजिंग, फर्स्ट पाथ इज इजी टू अंडरस्टैंड माइंड। वो तो कोई भी तुम्हें समझा दे कि मन ये है, तुम देखने लगोगे, समझ जाओगे। बट सेकेंड पार्ट टू डोमिनेट इट, दैट इज चैलेंजिंग। वो ना करने देगा तुमको, इट्स अनब्रिडल्ड हॉर्स। तुम जितना उसे पकड़ोगे वो और ताकत लगाएगा। और वो बाली है, माइंड इज लाइक बाली, ब्रदर ऑफ सुग्रीव। हाफ ऑफ योर एनर्जी विल बी टेकन अवे बाय योर माइंड। जब भी तुम इससे लड़ोगे ना, तुम्हारी आधी ताकत छीन लेगा। माइंड इज लाइक बाली, ब्रदर ऑफ सुग्रीव। वेन एवर यू विल फाइट विद माइंड, तुम्हारी आदत आधी ताकत तो ऐसे ही छीन लेगा कि लो लड़ो। असहाय कर देगा तुम्हें, इन सर्टेन इश्यूज तुम्हें असहाय कर देगा, यू विल बी हेल्पलेस।
एंड 90% पीपल सरेंडर कि नहीं यार कुछ नहीं होता. 95 इफ आई से 98 इट विल नॉट बी एग्जैगरेशन. 98 सरेंडर. कि कुछ नहीं होता यार ये सब ड्रामेबाजी है, इसे थोड़े मन जिसकी किस्मत में जो. इसीलिए द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्ल्ड इज फेट, भाग्य. 99% पीपल बिलीव इन फेट एंड दैट इज अवर स्ट्रेंथ. वही हमारी ताकत है. इसलिए जितने भी लोग हाइपर एम्बिशियस हैं दे ऑलवेज हैव अ फाइट विद 1% पीपल. ऑलवेज उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है. When Gandhi gives you the call, get up. This is called as a responsible leadership. This is what Gandhiji was saying to Mr. Bose. Ruk jao, 6 mahine mein taiyari nahi ho payegi. It's a big country. But sometimes I also say something. I also do something. But people take up their own perspectives. और जब मैं उन्हें देखता हूं तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, गरियाते हुए, तो मैं सोचता हूं कि तुम नहीं समझ पा रहे हो. कभी बाद में समझोगे एंड देन यू विल बी थैंकफुल. इट हैज हैपेंड विद मी इन माई लाइफ. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल हैव अब्यूज्ड मी. धोखा दे दिया तुमने, इतनी बदतमीजी कर दी. हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर वो मेरी बात को उस वक्त समझ नहीं पाए. लेटर ऑन अभी एक लड़का है, आई विल नॉट टेक द नेम, तो ही सेड केम टू मी एंड सेड कि सर पैसा नहीं है सर, और एडमिशन लेना, आईएएस बनना, ये करना, वो करना. मैंने कहा यार एक बात बताओ, एक बार हेल्प कर दूंगा, फिर क्या करोगे? एसी बनाना सीख लो, मोबाइल बनाना सीख लो, कुछ बेटा हमसे पैसे ले लो, फीस ले लो और सीख लो. You want help? I'll give you. But complete.